बताएं आप पहले कितना तो डर रहे थे। मैं तो 99% डर रही थी, काफी डर रही थी। मैं आपसे मिली, मुझे ऐसा अच्छा फील हुआ, आपने मतलब मुझे ग्रेटफुल फीलिंग कराई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ गई। ऑपरेशन कराने का मन है मुझे तो, इससे ऑपरेशन से कितना डर रहे थे। इसके बाद कितने साल हो गए थे आपको बीमारी के साथ? 4 साल। 4 साल हो गए। परेशान होते होते परेशान, क्या क्या परेशानी आ रही थी आपको? बहुत तो पेन हो रहा था, मतलब खड़ी, मैं टूटते तो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, पानी भी का ग्लास भी नहीं पी सकती थी अपना, इतनी बीमारी थी। दो इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, तीन तीन टैबलेट लेते थे मैं दिन की। तो इतनी सारी गांठें आपने पाल ली बच्चेदानी के अंदर, और आपने फिर होम्योपैथी और ये पैथीज भी ट्राई करी? होम्योपैथी नहीं किया मैंने। अच्छा, आयुर्वेद? आयुर्वेदिक ही, आयुर्वेदिक ही ट्राई। लेकिन उसमें 3-3 महीने का जो कोर्सेज होते हैं वो किया था मैंने, पेस का। किस आशा के साथ आपने जॉइन, मतलब वो सोचा था कि आयुर्वेद से आपके क्या गांठें पिघल जाएंगी, मतलब आपको क्या बताया? नहीं, मुझे जब तो गांठ का ही था सर, गांठ का नहीं बताया था, बोले ओके पेन का ही था। अच्छा, पेट में दर्द जो रहता था? पेट में दर्द, पीरियड्स के टाइम पे रहता था। बैलेंस करने के लिए बताई थी मैंने हॉस्पिटल में, पर उन्होंने कहा था पिघल जाएगी आपकी दवाई से, पर वो टाइम पीरियड में नहीं पिघली। 4-5 महीने का जो मैंने ट्रीटमेंट लिया ना, उसमें नहीं पिघली। तो एक तो मैसेज सबके लिए यही है कि जो फाइब्रॉइड्स है या जो गांठें होती है वो किसी दवाई से पिघलती नहीं है, वो एक तरीके से आपका टाइम कंज्यूम होता रहता है और आगे आप बीमारी बढ़ती जाती है, गांठों का साइज आगे बढ़ता जाता है, साथ साथ में दर्द बढ़ जाता है, ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, शरीर में फिर खून की कमी हो जाती है, खून की कमी होने के कारण फिर खून चढ़ाना पड़ता है, फिर भी फाइनली सर्जरी ही करवानी पड़ती है। तो कुछ बीमारियां ऐसी है अपने शरीर में कि जिनका वास्तव में इलाज ऑपरेशन से ही होता है। जैसे कोई ये बोले कि सब मैं मलेरिया को ऑपरेशन करके ठीक करूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही फाइब्रॉइड है कि जो कोई बोले कि मैं दवाई से ठीक कर दूंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ऑपरेशन होना जरूरी है। अब आप ऑपरेशन से इतना डर रहे थे, 4 साल आपने इस बीमारी को झेला, अब आपने ऑपरेशन करवा लिया, तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? और आ गई ना कुछ आपसे मिलके हिम्मत हो गई, कुछ मेरी ननद आ गई जिन्होंने वो नहीं करवाया 8 महीने पहले। ओके ओके, उन्होंने हिम्मत दी मुझे। अब आप कैसा फील कर रहे हैं कि ऑपरेशन होने के बाद? तो अब आपको ऑपरेशन में कोई तकलीफ आई, कोई दर्द हुआ किसी प्रकार का? भी पेन नहीं। आपको कोई परहेज वगैरह बताया गया? नहीं, कुछ भी परहेज, कुछ भी। तो आप कुछ खाया? और कितने दिन में अस्पताल से छुट्टी हो गई आपकी? दूसरे दिन। तो ये जादू है जी, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन का, कि मरीज की छुट्टी एक ही दिन में हो जाती है, आराम से चल फिर पाता है, दूसरे दिन से अपना नॉर्मल खाना पीना शुरू कर देता है, घूमना फिरना शुरू कर देता है, दर्द ना के बराबर सा होता है कि वो एक सर्जरी है तो थोड़ा बहुत मामूली दर्द तो होता है, लेकिन बहुत ना के बराबर दर्द है, जिससे कि आराम से आप आगे अपना ऑपरेशन के बाद में अपनी नॉर्मल जिंदगी जल्दी से आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताएं और ऑपरेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम शतरपाल गुप्ता, ग्राम बस्ती से हूँ और पूर्व सरपंच, पूरे भैरोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरी मिसेज जो ऑपरेशन के लिए बहुत डर रही थी, जिस दिन आई ना उस दिन भी इनकी बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, और हर टाइम ही इनका बीपी ऊपर नीचे हो जाता था ऑपरेशन का जब नाम लेते थे, और यहाँ ऑपरेशन होने के बाद एकदम स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त है। अब न तो कोई चिंता करती है न घबराती है। तो आपका क्या मैसेज है अपने सोसाइटी के लिए कि डरना चाहिए ऑपरेशन से? नहीं, डरना चाहिए ही नहीं, डरना चाहिए ही नहीं। और किस तरीके का ऑपरेशन कराना चाहिए, हाथ वाले दूरबीन वाला? दूरबीन वाले की रिकवरी अच्छी है, दूरबीन वाले की अच्छी है। तो हाथ वाले में तो 1 महीने का कम से कम रेस्ट करना पड़ता है, इसमें इतना रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे दिन तो हॉस्पिटल में, उसमें 7 दिन तो हॉस्पिटल में रखते हैं, और इसमें दूसरे दिन अस्पताल से छुट्टी, दूसरे दिन अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। खाने पीने का परहेज नहीं होता? खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, और शरीर से कुछ निकलता है तो 1-2 दिन पेन भी होता है, वो तो सहना पड़ता है। लेकिन दर्द की भी एक लिमिट होती है कि भाई कितना दर्द हो रहा है। जैसे हाथ वाले में इतना ज्यादा दर्द होता है कि मरीज करवट ही नहीं बदल पाता, लेकिन जैसे इसमें आप आराम से बैठ पा रहे थे, तुरंत करवट लगा, तुरंत करवट बदलना, पैर समेटना, थोड़ा खेलना डुलना, आराम से घूमना फिरना हो जाता है दूसरे दिन भी, तो वो सब आपको आराम रहा? हाँ बिल्कुल, बहुत बेटर फील करती हूँ सर्जरी के बाद, और मैं खुश भी हूँ। तो काफी रोई हूँ मैं तो पहले, बहुत रोई हूँ मैं तो पहले।
तो जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल और जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल की टीम का एक ही एम है कि मरीज की बीमारी निकल जाए, बिना चीरे के निकल जाए। मैं खुश हूँ, मैं आंखों में आंसू आ रहे मेरे तो ये बात है, अब तो मेरी ये फीलिंग हो रही है। देखो कितनी अच्छी बात है, मैं सही कह रही हूँ। ये खुशी के आंसू है जो आप देख पा रहे हैं कि आंखों के ये दिल से, किसी अगर कोई खुश होता है उसके वास्तव में बीमारी दूर होती है तो कितना खुश होता है। Thank you.